नमस्कार दोस्तों, और आज का ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस मोबाइल की पेनड्राइव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सैंडिस्क डुअल ड्राइव है और इसे आप अपने कंप्यूटर और अपने फ़ोन दोनों में लगा करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे करेंगे पता लगाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टेक की बात, कैडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों, मैं कब से इस गैजेट को मोबाइल की पेन ड्राइव बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका नाम है सैंडिस्क डुअल ड्राइव। और ये दो वेरिएंट्स में आता है, USB 2.0 और USB 3.0। अब दोस्तों, ये USB 3.0 का वेरिएंट है, वहाँ पे आपको हायर स्पीड मिलती है ट्रांसफ़र की। जैसे कि अगर आप कोई 4K कंटेंट अगर अपने कंप्यूटर से इस पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करें तो 150 Mbps की मैक्सिमम स्पीड तक आप इसमें वो मूवी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर डायरेक्टली जो इसका जो माइक्रो USB कनेक्शन का पोर्ट होता है उसको अपने फ़ोन में लगा करके उस मूवी को डायरेक्टली इंजॉय भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे फ़ोन्स में क्या होता है दोस्तों कि जब आप OTG लगाते हैं तो जो इंटरनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो इन्वोक हो जाता है, और वहाँ पे आप डायरेक्टली जितने भी वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं इस पेन ड्राइव में अपने फ़ोन पे डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सैंडिस्क आपको एक ऐप भी देता है, और इस ऐप के ज़रिए आप अपने इंटरनल स्टोरेज के फाइल्स तो नहीं बल्कि पेन ड्राइव की फ़ाइल, और अगर आप कोई क्लाउड अकाउंट, मतलब कि समझ लीजिए अगर आप गूगल ड्राइव या फिर कोई और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड अकाउंट अगर देखना चाहते हैं तो आप सारे के सारे अकाउंट वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर एक से दूसरी जगह फाइल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप इस ऐप के ज़रिए अपना जो सोशल मीडिया बैकअप है उसको भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिकासा का बैकअप ऑप्शन मिल जाएगा, और आप टाइम टू टाइम अपनी जो फोटोज़ और वीडियोज़ हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की वो अपने जो मोबाइल की पेन ड्राइव है उसमें बखूबी सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको सैंडिस्क के जो एप्लीकेशन आते हैं आपको इस पेन ड्राइव में मिल जाएगी, या फिर आप उसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, मुझे जो सबसे खास बात लगती है इस गैजेट के बारे में वो है इसका साइज़। अब ये दोस्तों बहुत ही पोर्टेबल है साइज़ में, लेकिन आप इसे 16 GB, 32 GB, 64 GB या फिर 128 GB तक के वेरिएंट में खरीद सकते हैं। आपको सारे के सारे लिंक्स इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया था ऐप, जो सैंडिस्क का ऐप है, आप उससे डायरेक्टली बैकअप भी कर सकते हैं अपने फ़ोन का। मगर मतलब अगर समझ लीजिए आपको अपने फ़ोन का बैकअप लेना है तो आप कोई भी फोटोज़ ले लीजिए, कोई भी वीडियोज़ ले लीजिए, आप डायरेक्टली इस पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मेरी माने तो वो ब्लूटूथ या फिर जो वाईफाई कनेक्शन जो हम लोग करते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ये। तो दोस्तों, फाइनली बॉटम लाइन ये है कि अगर आपके फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज कम है और वो जो SIM2 आप जियो के लिए यूज़ कर रहे हैं उससे आप अपने हाथ धोना नहीं चाहते हो, तो आप इस मोबाइल की पेन ड्राइव पे ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये आप 128 GB तक खरीद सकते हो। मतलब आपको बार बार अपने फ़ोन को अपने कंप्यूटर पे डेटा केबल से नहीं लगाना पड़ेगा, वो स्लो ब्लूटूथ कनेक्शन का भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, और डायरेक्टली आप 4K कंटेंट अपने फ़ोन पे देख पाएंगे। वैसे जितने भी लिंक्स हैं दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, और आप डायरेक्टली वहां से इस गैजेट को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें एक थम्स अप जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना, अपने अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।